नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, वेदांता का शेयर जिसने बना दिया है रिकॉर्ड सबसे ज्यादा डिविडेंड देने का एक फाइनेंशियल ईयर में, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कंपनी ने ऑलमोस्ट 101 रुपीस का डिविडेंड बांटा है, 5 इंटरम डिविडेंड और अमाउंट करते हैं मोर देन 100 रुपीस। आप ये मोर देन 100 मत देखिए, आप देखिए परसेंटेज वाइज कितना है। इस स्टॉक का भाव देखेंगे और स्टॉक के रिटर्न्स देखेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा शानदार दिखेंगे आपको। और इसी के साथ ये स्टॉक भारत की इस समय सबसे ज्यादा डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी बनती है, लगभग 33-35% की डिविडेंड यील्ड रखती है ये कंपनी, जो कि आपको करंट सिनेरियो शो कर रहा है। अब सवाल ये कि क्या आगे भी इसी प्रकार के डिविडेंड्स मिलते रहेंगे, क्या यहां से खरीदारी करने के मौके हैं और लॉन्ग टर्म पर्पस से हमें डिविडेंड का स्टॉक अपनी पोर्टफोलियो में उठा के रख लेना चाहिए, क्योंकि दो रीजन हो सकते हैं इसके पीछे। पहला तो स्टॉक का प्राइस भी आपको एप्रिशिएट कर रहा है, दूसरा डिविडेंड तो आप देख ही रहे हो कितना शानदार देती है कंपनी, एक साल में 105-101 रुपए का डिविडेंड कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो पहले तो इसी के ऊपर कंपनी की तरफ से कुछ बड़े बयान आए हैं, उसके बारे में आप सभी के साथ शेयर करता हूं एंड उसके बाद पर्सनली बात करेंगे। लेकिन उस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कल आपको बाइंग की सजेशन दी थी, डिविडेंड के चक्कर में ही दी थी कि डिविडेंड से पहले खरीदना है, कल गैप अप होगा, बट गैप अप नहीं हुआ, बट स्लाइडली धीरे 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 आपको 2-3% के रिटर्न दिए। मैं ये नहीं कहता 282 पे ही बेचा हो आपने, बट हाँ 2% की बात हुई थी, 2.5-3% तो कमाया होगा क्योंकि मैंने पर्सनली इसमें काम करा एंड अर्न करा। तो सिंपल सा व्यू था वो, तो कल डिविडेंड के साथ थोड़ी एक नेगेटिव न्यूज आ गई, प्लस आज हिंदुस्तान जिंक एक्स ट्रेड कर रहा था, 8% नीचे था और वेदांता उसमें 65% ओन करता है, तो वो अपने आप में एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा था, अदरवाइज ये स्टॉक आज गैप अप ही होता। बट छोड़ते हैं उस चीज को, अब आते हैं बात करते हैं आगे। वेदांता लिमिटेड इज नोन फॉर पेइंग हैंडसम डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर, लास्ट ईयर इट टॉप्ड द चार्ट फॉर द स्टॉक विद हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड इन इंडिया। फॉर FY23 द कंपनी हैज अनाउंस्ड 5 इंटरम डिविडेंड्स अमाउंटिंग टू ₹101.5 रुपी पर शेयर, 101.50 रुपए पर शेयर का इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने डिविडेंड दिया है, 5 इंटरम डिविडेंड दिए हैं जो कि टोटल अमाउंट करते हैं 101.50 पैसे पर शेयर का। अब एक चीज और, इस डिविडेंड में अमाउंट पता है कितना रुपए लुटा दिया है कंपनी ने, कितना रुपए बांटा है, 37,700 करोड़ रुपए। इतना कंपनी की वैल्यू नहीं होती है, मार्केट में ना जाते कितनी कंपनी इतनी मिलेंगी जो इस अमाउंट के नीचे ट्रेड करती है। कंपनी ने ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ रुपए डिविडेंड में बांटे हैं, तो इट्स एन इनक्रेडिबल 37,700 करोड़ का डिविडेंड कंपनी ने FY23 में बांटा है। इन कॉन्ट्रास्ट वेदांता लिमिटेड नेट प्रॉफिट स्टूड एट, और इसका प्रॉफिट पता है कितना है, 23,710 करोड़। कंपनी का प्रॉफिट 23,710 करोड़ है, डिविडेंड 37,700 करोड़ का बांटा है। आपको कहोगे भाई ये कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि डिविडेंड तो इनके पास आता है हिंदुस्तान जिंक से और फिर ये आगे शेयर होल्डर्स को दे देते हैं, अपना प्रॉफिट तो बहुत ही छोटा ये शेयर करते हैं। इसको आप समझ सकते हैं करंट रिसेंट जो डिविडेंड है 20.50 रुपए पर शेयर का, इसमें कंपनी ने 7,600 करोड़ रुपीज का डिविडेंड शेयर होल्डर्स को बांटा है। इस 7,600 करोड़ में से वेदांता ने अपनी जेब से पता है कितना दिया है, 500 करोड़, 7,125 करोड़ रुपए डिविडेंड के रूप में आए हैं हिंदुस्तान जिंक से। तो ये अब आप समझ सकते हैं कि वेदांता अपनी जेब से कितना देता है और कितना नहीं देता। हालांकि कंपनी इन्हीं की है तो फिर आप इन्हीं की जेब से मानेंगे। वेदांता ने पर्टिकुलरली 23,700 करोड़ का प्रॉफिट कराया और ये प्रॉफिट 15,032 करोड़ से बढ़कर 23,710 करोड़ का आया ईयर ऑन ईयर, काफी शानदार प्रॉफिट है। इट हैज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट स्टूड एट ₹23,474 करोड़ एज ऑफ दिसंबर 2022। दिसंबर आएंगे भी तो 2022 दिसंबर के हिसाब से देखा जाए तो 23,500 करोड़ का कैश कंपनी के पास पड़ा है इस समय। तो ये कहीं ना कहीं कुछ बड़ी और बड़ी बातें थी वेदांता के स्टॉक के बारे में। अब आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा कि कितने लोगों का निवेश है इस स्टॉक में केवल डिविडेंड के लिए और कितने लोग करना चाहते हैं। अब मेरी तरफ से मेरा राय क्या बन रहा है कि इसमें डिविडेंड के लिए निवेश करना चाहिए, तो मेरी राय होगी नहीं करना चाहिए। इसके पीछे का रीजन है कि आने वाले समय में भी इसकी डिविडेंड यील्ड घट सकती है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि वेदांता ने इनका इंटरनेशनल जिंक बिजनेस हिंदुस्तान जिंक को बेचने की बात करी है 24,000 करोड़ में,
और हिंदुस्तान जिंक के पास जो कैश है वो अराउंड रिजर्व जो है वो अराउंड 30-32 हजार करोड़ के हैं। अगर उनकी बुक से ये पैसा गया वेदांता के पास, उसकी कंपनी खरीदी, जिंक बिजनेस खरीदा, तो फिर हिंदुस्तान जिंक बड़ा डिविडेंड अनाउंस कर ही नहीं पाएगा, और जब वो करेगा नहीं तो वेदांता के पास कुछ आएगा ही नहीं, तो फिर इस हिसाब से डिविडेंड घट सकती है। तो मैं आगे के लिए उतना बुलिश नहीं हूं, बट हाँ FY23 में डेफिनेटली इसने शेयर होल्डर्स की वैल्यू बनाई है, वेल्थ बनाई है। इसीलिए कहते हैं निवेश करो वेल्थ बनाने के लिए, ट्रेड करो डेली बेस करोगे कुछ नहीं मिलने वाला है आपको, आने वाले समय में वेल्थ क्रिएट करनी है तो प्लीज पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट करिए। तो यदि मेरी तरफ से वीडियो, होप आप लोगों को समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।